This is Shaheen, and in this particular lecture video, we are going to discuss another assignment of M.Com third semester की बात कर रहे हैं, ठीक है? That is important for January 2024 and December 2024 के लिए important रहने वाला है. अब decide करेंगे हम कौन सा assignment करना है. That is MCO 07. ऐसे वन बाय वन हमने काफ़ी सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर रखे हैं. आप लोग चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे. MCO 07 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन ब्रीफली द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड स्टेट विच वन यू कंसिडर बेस्ट एंड वाई. आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस को एक्सप्लेन करना है. इसके अलावा ये बताना है कि आपके अकॉर्डिंगली कौन सा है जो कि बेस्ट ऑप्शन इसमें से चूज़ करता है, ठीक है? चलो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं. पहला है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब क्या है. लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब होता है जब लंबे टाइम पीरियड के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं. अब ये कितना लंबा टाइम पीरियड होता है, ये 5 ईयर्स भी हो सकता है, 10 ईयर्स, 5 से 10 साल, और अराउंड 1 to 5 ईयर्स मीडियम टर्म. इसकी पहले 3 कैटेगरी होती है, जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है ना, इसकी कैटेगरी 3 होती है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म अराउंड 1 ईयर से कम होता है, मीडियम टर्म 1 to 3 ईयर्स मान सकते हो आप, और 5 to 10 ईयर्स आप लॉन्ग टर्म को मानो, ठीक है? तो अब उसके बारे में ही बात करते हैं. कुछ सोर्सेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, टर्म लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीज फाइनेंसिंग, इंटरनल सोर्स, डेट कैपिटल, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और फॉरेन कैपिटल. इक्विटी लोन क्या होता है? इक्विटी लोन का मतलब होता है जब हम अपने शेयर्स एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और हम उसके कुछ हिस्सेदार बन जाते हैं, तो वो इक्विटी लोन हो जाता है. ये सारा आप लोग देख सकते हो और अपने असाइनमेंट में अच्छे से मेंशन कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ डिबेंचर. डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर का मतलब वही, आपको मनी दिया जाएगा लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा. जैसे कि लिखा होता है ना 9% डिबेंचर, तो ये जो 9% होता है ये फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि कुछ टाइम पीरियड बाद डिबेंचर होल्डर को मिलता ही मिलता है. डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उनको डिबेंचर होल्डर कहा जाता है, और जो शेयर्स को होल्ड करते हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है. डिबेंचर्स के अंदर क्या क्या कैटेगरी होती है? इनकी लिक्विडिटी, मतलब इनको हम पैसों में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई. जैसे महंगाई उतार चढ़ाव आएंगे तो उसके खिलाफ हमें क्या मिल सकता है? एक प्रीमियम मिल सकता है कि हाँ, कल को जब हमारे पास पैसे मनी नहीं होगा तो हम धीरे धीरे वहाँ से अपने पैसे को कन्वर्ट करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं. टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन का मतलब होता है जितना आपने लोन लिया है उसको आपको पे करना ही करना है. इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट भी आपको उसके साथ साथ पे करना पड़ेगा, ये टर्म लोन है. प्रेफरेंस शेयर्स, आप लोग जब असाइनमेंट बनाओगे तो आप लोग कैसे मेंशन करोगे? जितनी भी चीज़ें हैं वो हाईलाइट करते हुए चलोगे, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, डिबेंचर होल्डर हो गया, वो सब, ठीक है? प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? ये भी शेयर्स की कैटेगरी है लेकिन इसके अंदर भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंट दिया जाता है. लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये भी लोन है. लोन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी हो सकता है. इसके अंदर कैटेगरी क्या बनाई है? इसमें काफ़ी सारे बैंक दे रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल IDBI, IFCI, LIC, GIC, UTI, RCI, ये सब कुछ कैटेगरीज बनी हुई है, ठीक है? अब बात करते हैं आपके लीज फाइनेंसिंग की. लिखना आपको सारा कुछ है, मैं एक्सप्लेन इतना डिटेल में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप लोगों को असाइनमेंट बनाना है, प्रिपेयर करना है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज लीज फाइनेंसिंग. लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? जैसे कि रेंट वगैरह नहीं होता, रेंट पे करते हैं हम, तो रेंट की तरीके से एग्रीमेंट बनता है उसका, वो होता है आपका लीज फाइनेंसिंग. इसमें दो पार्टी है, एक हो गया लेसर और एक हो गया लेसी. लेसर कौन हो गया? जो ऑनर होता है. जैसे कि मान लो एक रूम है, उसका जो ऑनर हूँ वो मैं हूँ
और मैंने किसी और को रेंट पे दे रखा है, तो वो हो गया लेसी। ये होता है लेसी। लीज फाइनेंसिंग एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि एक तरीके से आपको सामान मिल जाता है यूज़ करने के लिए एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, और फिर धीरे धीरे आपको उसको पे करने के लिए मौका मिलता है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मनी को इंक्लूड किया जाता है स्टॉक बॉन्ड की सेल्स वगैरह के लिए। डेट कैपिटल क्या है, डेट कैपिटल आपको लोन दे दिया लेकिन उसके बदले में अब आपको कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा, जैसे गोल्ड है, ठीक है, या अपनी हाउस प्रॉपर्टी है, तो ये आपको अपना रखना पड़ेगा। लेगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जहाँ पे आप अपना पैसा अपने पास रख लेते हो, ना कि डिबेंचर होल्डर या इन जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पे करने के बजाय अपने पास पैसा रख लेते हो, तो वो लेगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट होता है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं। फॉरेन कैपिटल क्या होता है, फॉरेन कैपिटल का मतलब जब हम बाहर जा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में, लेकिन वो बाहर की कंपनी है, फॉरेन कैपिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे 1990 से इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज बदली थी। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन ये है कि हमने इतनी सारी लॉन्ग टर्म सोर्सेस की बात की, इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखो, हर एक अपने आप में कुछ एडवांटेजेस भी क्रिएट करता है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी क्रिएट करता है, फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। आप किसी को बिल्कुल परफेक्टली सूटेबल नहीं मान सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो जो इम्पॉर्टेंटली डिस्कशन होनी चाहिए डेट और इक्विटी के अंदर, वो मैंने डिस्कस कर दिए। जैसे कि यहाँ पे कंपनी जो होती है उनको क्या ज़रूरत पड़ती है, पैसों को बोरो करने की, ठीक है। तो यहाँ पे डेट फाइनेंस एक चीपर सोर्स है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी फाइनेंस, क्योंकि वहाँ पे टैक्स वगैरह आप रेज कर सकते हो, टैक्स का एक एडवांटेज मिलता है। फिर यहाँ पे कैपिटल गियरिंग के बेसिस पे बात की गई है कि कौन सा एडवांटेजियस होता है, कौन सा कंपैरेटिवली इक्विटी ज़्यादा प्रेफरेबल होता है या नहीं। सिक्योरिटीज़ अवेलेबल, अगर मनी लेंडर जो होते हैं उनको असेट्स सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है गुड क्वालिटी के, ठीक है, और इंटेंजिबल असेट जैसे कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो कि उससे मैच नहीं करते। बिजनेस रिस्क कौन सा होता है, बिजनेस रिस्क किस में ज़्यादा है, इक्विटी वालों में ज़्यादा है रिस्क, डिबेंचर होल्डर्स में कम है। ऑपरेटिंग गियरिंग, ऑपरेटिंग गियरिंग वो पोर्शन होता है फिक्स्ड एज अपोज टू वेरिएबल, वेरिएबल से फिक्स्ड के अंदर ही ऑप्शन। सो डाइल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट, इसके अंदर बताया गया है कि आप कितनी जल्दी उसे डाइल्यूट कर सकते हो। और वोटिंग कंट्रोल जो होता है वो आपको शेयर्स वगैरह में ज़्यादा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू डेट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। हमने MCO 07 का फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ। अगर PDF के लिए आपको रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज़ मोर एज़ पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।